हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे सर्दियों के लिए खास इम्यूनिटी बूस्टर बर्फी। आपने बहुत बार इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू बनाए हैं, तो इस बार हम बर्फी बनाएंगे। हम इस रेसिपी में ड्राई फ्रूट्स का यूज़ तो करेंगे ही, लेकिन इसमें जो सबसे खास टेस्ट होगा वो होगा उड़द दाल का। तो इस इम्यूनिटी बूस्टर बर्फी में हम एक नया टेस्ट ऐड कर रहे हैं, तो आप इस रेसिपी को ट्राई करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब हम जल्दी से इम्यूनिटी बूस्टर उड़द दाल की बर्फी की रेसिपी देखेंगे, और उससे पहले सामग्री जिसकी हमें ज़रूरत है। तो हमारी जो सबसे मुख्य सामग्री है वो बिना छिलके वाली उड़द दाल का आटा। तो हम 2 बाउल उड़द दाल का आटा यूज़ कर रहे हैं। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार इसको कम या ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 मीडियम साइज़ बाउल बादाम, 1 मीडियम साइज़ बाउल ग्रेट किया हुआ ड्राई कोकोनट। इसके अलावा हम शुगर पाउडर का यूज़ करेंगे। शुगर आप अपने टेस्ट के अनुसार यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा 1/2 बाउल हम गोंद का यूज़ करेंगे, और 1 बाउल हम काजू का यूज़ करेंगे। काजू और बादाम को आप अपने टेस्ट के अनुसार यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो काजू और बादाम को घी में भूनकर आप इनके या तो छोटे छोटे टुकड़े कर ले, या चाहे तो आप इनको बिल्कुल बारीक कर ले। आप अपने चॉइस के अनुसार इनका यूज़ करें। तो मैं इनको घी में रोस्ट करके इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी, इनको बिल्कुल बारीक नहीं करूँगी। इन सामग्री के अलावा हमने जितना उड़द दाल का आटा लिया है उससे डबल हम इसमें घी लेंगे। तो हम 1 से 1.5 बाउल इसको भूनते समय डाल देंगे, और उसके बाद जब हम इसको बर्फी के लिए जमाएंगे तब हम जो आधा बचा हुआ बाउल है वो भी इसमें डाल देंगे। और वैसे घी आप अपने ज़रूरत के अनुसार इसमें कम या ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आप 1 कढ़ाई में 2 बाउल उड़द दाल का आटा ले लीजिए। आटा आप अपनी ज़रूरत के अनुसार कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो हमने सेम साइज 1 बाउल इसमें घी डालना है, और घी डालने के बाद आप एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। और उसके बाद गैस ऑन करके आपको इसको कंटिन्यू लो फ्लेम पर चलाना है। अगर आपको इसमें घी की रिक्वायरमेंट और लगती है तो आप इसमें थोड़ा और डाल दीजिए। तो मैं इसमें थोड़ा और घी डालकर इसको कंटिन्यू लो फ्लेम पर ही चलाऊंगी। तो आपको इसको लो फ्लेम पर 10 मिनट तक चलाना है, और इसका जो कलर है वो धीरे धीरे चेंज होने लग जाता है। और 10 मिनट के बाद अब हम इसमें जो हमारे गोंद है वो डाल देंगे। गोंद बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर फिर डालें इसमें। आपको इसको अलग से घी में फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी देखेंगे गोंद जो है, जैसे जैसे ये आटा भुनता जाएगा इसके साथ साथ गोंद भी है वो चटकता हुआ जाएगा और पूरा अच्छे से पक जाएगा। तो आपको गोंद को इसको अलग से फ्राई करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये देखिए गोंद फूलता जा रहा है, और जैसे जैसे ये गोंद फूल रहा है वैसे वैसे जो ये आटा है उसका कलर भी चेंज होता जा रहा है। पर हमें कंटिन्यू इसको लो फ्लेम पर ही भूनना है। ये देखिए हमारा जो गोंद था वो बिल्कुल पॉपकॉर्न की तरह अच्छे से फूल चुका है, और आटा भी साथ साथ में भुनता जा रहा है। तो आटे का जो कलर है वो भी चेंज होता जा रहा है, और जब आटे से अच्छे से खुशबू आने लग जाए और आटे का जो कलर है वो चेंज हो जाए, तो आपको गैस ऑफ करके इसको बिल्कुल ठंडा होने देना है। लो फ्लेम पर भूनते हुए इसका कलर चेंज हो गया है, गोंद भी अच्छे से पक गया है और आटा भी अच्छे से सिक चुका है। तो अब हम गैस ऑफ करके इसको ठंडा होने देंगे। जब तक ये आटा ठंडा होता है तब तक मैं काजू और बादाम को जो है दरदरा कूट लूँगी। आप अपनी चॉइस के अनुसार उनका यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से ठंडा होने के बाद सारी सामग्री को मिक्स करके हमने इसको थाली पर फैला दिया है। और थाली पर फैलाने से पहले अगर आपको घी की कमी लगती है तो घी गर्म करके आप इसमें डाल के फिर आप इसको थाली पर फैला कर अच्छे से ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद ये अच्छे से सेट हो गया है। तो अब हम इसको डायमंड शेप में काट लेते हैं।
जब हम इसमें पिसी हुई शुगर पाउडर ऐड करते हैं तो इसका जो कलर होता है वो फिर से वाइट हो जाता है। तो तैयार है हमारी इम्यूनिटी बूस्टर ढेर सारे ड्राई फ्रूट से भरी हुई उड़द दाल की बर्फी। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है, तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो अभी इन सर्दियों में ही आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपने फीडबैक हमें सेंड करें। और रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।